अब चाचू की सेहरा बंदी होगी ना? हाँ बिल्कुल होगी, लेकिन अभी नहीं छोरा, मुहूर्त से पहले सगाई होगी और सगाई से पहले नजर उतारनी है हमारे छोरी की। लेकिन चंचल आपकी नजर दिल से उतारना। अरे वैसे भी मारा छोरा गुणों का भंडार है, और जब से इसकी शादी तय हुई है देखो चेहरा की लाली उतारी ना रही। हमारी तो यही दुआ है तेरी ये लाली ऐसे ही बनी रहे। शिव जी हमारे चेहरे को बुरी नजर से बचाना। शिव जी तो है ही दयालु, लेकिन तू एक बात बता, बारात की और शादी की सारी तैयारी हो गई है ना? अरे माँ तू चिंता मत कर, मैंने सब सेट कर दिया। बस अब दुल्हन के आने की देर है। एक बार नाच के दिखाना कैसे नाचा था, दिखा ना। माफ करना बब्बल जी, आपने मुझसे कहा था कि मुझे आपकी शादी की हर रस्म में शामिल होना है, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाएगा। बब्बल जी आज घर में सब कितने खुश हैं, आप भी खुश हैं, और ऐसे में मेरा आंसू बहाना नहीं, मैं किसी अपशगुन की वजह नहीं बनना चाहती। मुझे यहां से जाना होगा। अंगूठी लेकर आई हो? तुमने बताया नहीं, तुम्हें अंगूठी कैसे लगी? अच्छी है। अरे अच्छा ऐसे थोड़ी ना होता है, डिब्बी में रखी अंगूठी को देखकर उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलता, उसके लिए उसका उंगली में होना जरूरी है। एक काम करते हैं, तुम ये अंगूठी लो और मुझे पहनाओ, और फिर बताना मुझे कि अंगूठी मेरी उंगली में कैसे दिखती है। लो आप खुद पहन लीजिए ना। अरे अच्छा हर बात में नखरे करना जरूरी है क्या? जो मैं कह रहा हूँ वो करो ना प्लीज, पहनाओ अंगूठी। ये अंगूठी मेरी होने वाली बीवी के लिए, देखो दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मैच हो रही है। अब मैं जाऊं? कहां? अब एक मिनट। हेलो, हाँ कौन? चाहत। बेबी आई एम सो सॉरी, मैंने नाम देखा ही नहीं। अच्छा तूने कॉल किया वरना मैं नहीं नहीं मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। हाँ हाँ सिर्फ एक दिन बचा शादी के लिए और मुझसे उतनी दूरी भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बस हम दोनों एक हो जाए और फिर। अरे हाँ तुम्हारी अंगूठी भी आ गई है। अरे बहुत खूबसूरत है। हाँ साइज वाइज एकदम परफेक्ट है।
ओ गॉड, तुम लड़कियां भी ना, तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल होते हैं। यहीं से घुसेगा के? अरे व्हाट एन आइडिया, मैं अंगूठी ना इच्छा पे फिट करता हूँ, अगर उसे फिट आ गई तुम्हें भी आ जाएगी, सिंपल। हाँ हाँ, वो बिल्कुल तुम जैसे ही है, मैंने कहा था ना। ओके बाय, लव यू, बाय। अरे इच्छा, ना हाथ आगे करो ना। नहीं। अरे क्या, नहीं नहीं नहीं, हमेशा। पापा जी छोड़ो, क्या कर रहे हो? परफेक्ट, अंगूठी का साइज एकदम परफेक्ट है। और देखो ये तुम्हारे हाथ पर इतनी सुंदर दिख रही है। ये क्या किया आपने बब्बल जी? सगाई की अंगूठी मुझे पहना दी? अरे ये तो आपका अपनी होने वाली दुल्हन को पहनाना चाहिए था ना। अरे इच्छा से निकालो मत, इसे रहने दो, मुझे इसकी फोटो खींच के चाहत को भेजना है। अप्पू, अप्पू क्या ना लेकर आ जल्दी। अप्पू आ गया। अच्छा अप्पू एक काम कर, हम दोनों की फोटो ले, मेरी चाची को भेजना है, जल्दी कर। रेडी कर लू। वाह, दोनों ही क्यों फोटो निकलवा रही हो, तो हम सब भी फोटो निकलवा लेंगे। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चल भाई अप्पू, खींच फोटो। इच्छा तो नागिन है, इसकी फोटो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो असली रूप में आएगी। बवाल हो जाएगा अप्पू, कुछ कर। कैमरा लॉक कर देता हूँ। अरे छोरा जल्दी से खींच लेना। अरे कैसी अजीब अजीब शक्लें बना रहा है, फोटो भी खींच ले। अरे चाचू ये कैमरा चल ही नहीं रहा है, लगता है खराब हो गया है। अरे हटा उस कैमरे को, मेरे फोन से खींच। अभी निकाल के देता हूं तुझे। एक मिनट, ओए फोन तो मैं अपने कमरे में भुलाया, अभी लेके आता हूं, एक मिनट। अरे छोड़िए ना चाचू, दादी वैसे भी कहती है ना कि अच्छे पलों को हमें इस कैमरे में नहीं अपने दिल में कैद करना चाहिए, है ना दादी? सही बोल रहा है छोरा, जो खास पल होते हैं ना वो हमारे दिल में कैद होते हैं। जब चाहो जहां चाहो अपनी आंखें बंद की और सारी तस्वीरें देख ली। चलो आज हम सब ये पल को अपने दिल में कैद कर लेते हैं। वाह, ए माँ, मजाक मजाक में कितनी गहरी बात कह गई तू। अच्छा बब्बल जी, जा रही हूँ मैं, आपने वैसे ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है, अपना अलग साथी चुन लिया है। इच्छा से बहुत दूर चले गए हैं आप।
लेकिन इच्छा इच्छा आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। आपका हर एहसास हर जज्बात इच्छा के दिलो दिमाग से होकर गुजरता है। आप किसी से भी शादी कर ले, लेकिन आप इच्छा के ही रहेंगे। मैं गिरता हूं तो वो संभालती है। मुझसे पूछते थे ना क्या मैं उस लड़की से जलती हूँ। हाँ, बहुत जलन होती है मुझे उससे। नहीं देख पाऊंगी मैं उसे आपके साथ, इसीलिए जा रही हूँ। वो एक एहसास कि कभी आपने भी मुझसे प्यार किया था, उसी एहसास के साथ मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी जी लूंगी। आप खुश रहिए बब्बर जी, आप खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगी। चाहे मैं जहां भी रहूं, दादी जी, खड़क अंकल, चंचल आंटी, ममता दीदी, प्रबल भैया, सबल भैया, आप सबको मेरा यहीं से प्रणाम। जा रही हूं मैं। इच्छा यही रहेगी। मेरे कहने का मतलब है आंटी, मतलब हम जानते हैं इच्छा कि तुम इस घर को छोड़कर नहीं रह सकती, और ये घर तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, और कितने एहसान करेगी हमारे परिवार पर। दादी, बड़ों के हाथ जोड़ते हुए नहीं आशीर्वाद देते हुए शोभा देते हैं। इतना प्यार दिया कि मैं भूल गई थी कि मैं एक नागिन हूं। बहुत याद आएगी आप सब लोगों की। कहाँ जा रही हो तुम?
तुम घर छोड़ के जा रही हो? हाँ। क्यों? आप वजह जानते हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूं। लेकिन जाने से पहले क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? इसके अपने हाथ खाली हो बब्बल जी, वो किसी और को क्या दे सकते? अच्छा तुम बब्बल जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रुक जाऊं तो वो मुझसे नहीं होगा। शादी तक, सिर्फ मेरी शादी तक रुक जाओ। आपकी शादी की वजह से ही तो मैं जा रही हूँ। मैं आपको किसी और से शादी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे जाने दीजिए। अरे वाह, ये अच्छा है। मतलब तुम सही हो, तुम गलत हो, दुनिया तुम्हारे हिसाब से ही चलनी चाहिए, है ना? इच्छा, मैंने लाख बार पूछने पर भी तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं, और अब जब मैंने अपने हिसाब से अपने लिए खुशी ढूंढ ली है, तब तुम चाहती कि मुझे वो भी ना मिले, है ना? नहीं बब्बल जी, ऐसा नहीं। ऐसा ही है इच्छा, ऐसा ही। कल मेरी शादी है और आज तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रही हो? मतलब कल पूरा का पूरा घर तुम्हारी चिंता में डूब जाएगा। बब्बल की शादी में खुशियां नहीं, बस आहें होगी। बेचारी इच्छा कहां चली गई, क्यों चली गई, कैसी होगी, वगैरह वगैरह। इच्छा, बहुत दिनों बाद मेरे घर में खुशी आई है। प्लीज प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, मेरे घर वालों को ये खुशियां खुलकर जी। अगर तुम्हें मेरे परिवार वालों की इतनी इतनी भी चिंता है ना, तो रुक जा। मैं तुमसे वादा करता हूं इच्छा, कि मेरी शादी हो जाने के बाद मैं खुद तुम्हें इस घर से आजाद कर दूंगा। ठीक है बब्बल जी, मैं रुक जाती हूँ। मेरा दर्द इस घर की खुशियों से ना कभी बड़ा था और ना कभी होगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने जानती तुमने मेरे लिए क्या किया। I'm sorry, Ich. मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत तंग कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन अब मैं नाटक को आधे में नहीं रोक सकता। इसे अनजान तक ले जाना होगा। बस बस एक और दिन, और कल रात को ये दिल वाला अपनी दुल्हनिया ले जाएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.